वृद्धा पेंशन ऑनलाइन अप्लाई करना अब काफी ज्यादा आसान हो चुका है, तो आप वृद्धा पेंशन को ऑनलाइन आप घर बैठे भी कर सकते हैं। उसके लिए कुछ कैटेगरी होता है और साथ साथ में उसके साथ डॉक्यूमेंट कुछ होता है, तो उन सभी डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, साथ में उसका कौन सी कैटेगरी मतलब फॉलो करना पड़ता है, उन सभी का कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो मैं हूँ रोशन और आप देख रहे हैं डिजिटल जोन रोशन। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वृद्धा के पेंशन से ऑनलाइन करने से रिलेटेड कोई भी अगर समस्या आएगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर पूछ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको वृद्धा पेंशन ऑनलाइन करने के लिए आपको आधार के अनुसार आपको 60 साल प्लस होना चाहिए। जब 60 साल प्लस होगा तो आपको वृद्धा पेंशन ऑनलाइन करने के लिए योग्यता हो जाएंगे, यानी कि वृद्धा पेंशन ऑनलाइन करने के लिए आपको योग्यता 60 साल प्लस होना चाहिए, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उन दोनों के लिए ये कैटेगरी फॉलो करना पड़ता है। साथ में उनको जो वृद्धा पेंशन ऑनलाइन होता है, तो वृद्धा पेंशन ऑनलाइन में लगभग आपको एज के अनुसार पेमेंट दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, प्रत्येक माह दिया जाता है जो सहायता राशि, मुख्यमंत्री सहायता राशि जो होता है, जो यहाँ पर लगभग जो 60 साल होते हैं लगभग तो उनका 400 रुपया, जो 70 साल जो होते हैं मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के तहत से आपको 500 रुपया दिया जाता है, जिसमें आपको यहाँ पर आपको पता है जो डॉक्यूमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको आधार कार्ड लगेगा, इसके बाद आपको वोटर आईडी कार्ड लगेगा, जो आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड पर नाम और डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए, साथ में पासबुक लगता है तो पासबुक पर भी नाम सेम होना चाहिए, जो एड्रेस होता है एड्रेस आपको आधार पर बिल्कुल सही होना चाहिए और वोटर आईडी कार्ड पर भी एड्रेस सेम होना चाहिए, साथ में एक सहमति पत्र जिसको आधार ऑथेंटिकेशन पेपर जो बोला जाता है, जो 3 पेज का होता है, जो सहमति पत्र जिसको बोला जाता है, जो आपको एक बैंक से साइन मोहर करवाना पड़ता है, आप जिस बैंक में आपका अकाउंट है, जिस बैंक का पासबुक है उसी वाली बैंक में जाना है, और उस वाले सहमति पत्र पर आपको जो बैंक मैनेजर होते हैं उनका मोहर और साइन चाहिए रहता है, तो वो आपको बैंक से ही कराना पड़ेगा। इसके बाद आपको जो पासबुक होगा, पासबुक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, साफ साफ होना चाहिए बैंक पासबुक। इसके बाद आपका और एक फोटो देना होता है, उन सभी को यहाँ पर सारा डिटेल कंप्लीट करने के बाद आधार कार्ड और आधार ऑथेंटिकेशन पेपर, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक, इन सभी का पीडीएफ 200 KB से अंदर होना चाहिए, और जो यहाँ पर फोटो होता है तो 30 से 50 KB के अंदर आपको फोटो लगता है जो उसमें आपको अपलोड करना पड़ता है। अपलोड करने के बाद आपका सारा डिटेल कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी मैं आपको सारा डिटेल कंप्लीट करके दिखाता हूँ किस तरीका से प्रोसेस करना और कैसे वृद्धा पेंशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, मन में किसी भी तरह का सवाल आएगा तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट पर चले जाना है sspmis.bihar.gov.in। इस वाले वेबसाइट पर चले आएंगे, इसका लिंक वैसे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से इस वाले वेबसाइट पर आप चले आएंगे, जो यहां पर वृद्धा पेंशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई इसमें किया जाता है। जो यहां पर लिखा गया 60 वर्ष से अधिक उम्र के सदस्य पुरुष या महिला के लिए यहां पर आपको वृद्धा अवस्था में पेंशन का यहां पर दिया जाता है। जो यहाँ पर आपको इस वाली वेबसाइट से आप क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन, और इसको इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन, और इंदिरा मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन, और लक्ष्मी बाई सोशल सिक्योरिटी पेंशन, साथ में बिहार स्टेट डिसेबिलिटी पेंशन। जो यहाँ पर सभी पेंशन से रिलेटेड इस वाले पे आपका ऑनलाइन अप्लाई होता है, और यहाँ से सारा डिटेल भी चेक किया जाता है कि किस तरह से कौन आपका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कौन से महीने का पेमेंट मिला है, कौन से महीने का नहीं मिला है। अगर उसका वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको ऑनलाइन करके दिखाता हूँ कैसे ऑनलाइन करना है। तो यहाँ पर रजिस्टर फॉर MVPY लिखा गया, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपको फॉर्म यहाँ पर ओपन हो चुका है, जो डिटेल्स यहाँ पर आपको फिलअप करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर जिला का नाम सेलेक्ट करना है, आप जिस भी जिला से आते हैं उस जिला का नाम सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैं बिहार से हूँ औरंगाबाद जिला से, यहाँ पर औरंगाबाद BH टाइप करूँगा, और इसके बाद यहाँ पर प्रखंड का नाम आता है, जो भी प्रखंड से आप होंगे इस वाले प्रखंड का यहाँ से नाम चुनाव करेंगे। इसके बाद आपको बोला जाता है यहाँ पर मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के लिए यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं यही सेलेक्ट किया हूँ। इसके बाद यहाँ पर इंटर ईपिक नंबर बोला जाता है, यानी इंटर ईपिक नंबर कहने का मतलब कि आपका जो वोटर आईडी कार्ड है उसी का यहाँ पर ईपिक नंबर यानी वोटर आईडी कार्ड नंबर डाला जाता है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है इंटर नेम एज पर ईपिक, यानी जो वोटर आईडी कार्ड पर जो नाम है वह इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर इंटर आधार, यानी कि आधार का यहाँ पर नंबर डालना है, आधार नंबर। इसके बाद यहाँ पर एज फॉर नेम आधार, यानी कि नाम पर जो, यानी कि आधार पर जो नाम है वही नाम यहाँ पर आपको टाइप करना है, जस्ट लाइक सेम उसी तरह से,
इसमें से कोई अपना दिमाग अलग से नहीं लगाना है, जो आधार पर नाम लिखा है वही लिखेंगे, और यहाँ पर जो ईपिक नंबर यानी जो वोटर आईडी कार्ड पर नाम लिखा है वही लिखेंगे, खुद से दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ एज पर आधार यानी कि आधार के अनुसार जन्म तिथि इसमें आपको इंटर करना है इस कैलेंडर के माध्यम से। इसके बाद यहाँ पर वैलिडेट आधार वाला सेक्शन जो दिया है इस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है हमेशा आवेदन को आधार के नाम या जन्म तिथि और जिला के अनुसार स्वीकार किया जाएगा, जो आधार पर होगा वही यहाँ पर डिटेल सबमिट लिया जाएगा, वरना आपका सबमिट नहीं लेगा। तो चलिए इतना सारा डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक करके दिखा देता हूँ कि इस तरीके से आपको शो होगा। तो मैंने यहाँ पर सारा डिटेल इनका फिलअप कर दिया हूँ, जैसे यहाँ पर इनका डिस्ट्रिक्ट का नाम, यहाँ पर ब्लॉक का नाम यानी प्रखंड का, इसके बाद योजना का नाम, यहाँ पर आधार सॉरी यहाँ पर ईपिक नंबर, ईपिक नंबर के अनुसार यहाँ पर नाम, इसके बाद वोटर आईडी सॉरी आधार नंबर, आधार के अनुसार यहाँ पर नाम, और इसके बाद आधार के अनुसार यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। तो इसके बाद यहाँ पर फिलअप करने के बाद यहाँ पर वैलिडेट आधार वाला सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से क्लिक करने के बाद आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आधार सक्सेसफुल वेरीफाई यहाँ पर ग्रीन कलर में हो चुका है। आपका इस तरीके से होगा ग्रीन कलर, तभी आपका आगे का प्रोसेस यहाँ पर बढ़ेगा, अन्यथा आपका प्रोसेस आगे का यहीं रुक जाएगा। तो इसलिए जिनका इस तरह से अगर होता है वही केवल अप्लाई करेंगे, और जिनका नहीं होता है तो उनको पहले सुधार करवाने का होगा, जैसे आधार में गलत हो तो आधार सुधार करवाएंगे, या तो वोटर आईडी कार्ड में गलत हो तो वोटर आईडी कार्ड सुधार करवाएंगे। चलिए यहाँ पर मेरा सारा डिटेल सही है, चलिए मैं यहाँ पर प्रोसीड यानी आगे की प्रक्रिया के लिए प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही ऐसा पेज देखने को मिल जाएगा, जो यहाँ पर कुछ सारा डिटेल आपको कंप्लीट करके रखना है, जो मैंने आपको पिछली बार बताया है, जो यहाँ पर इस तरह से बता रखा हूँ। और इसके बाद यहाँ पर पेंशन का नाम, बेनिफिशरी का नाम यहाँ पर दिखाया जाएगा, यहाँ पर बेनिफिशरी का फादर या पति का नाम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ वाला सेक्शन में। इसके बाद यहाँ पर बेनिफिशरी मदर्स नेम लिखेंगे, इनका माता जी का नाम अगर है तो डालेंगे, अन्यथा यहाँ पर छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर देखेंगे यहाँ पर इस तरह का जो रेड कलर जो लगा होगा स्टार, उसी में केवल फिलअप करना है डिटेल, अन्यथा आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पहले से फिलअप है। इसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी जेंडर होगा। इसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी आपका डालना जरूरी है, जो आपका कैटेगरी होगा कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको आगे बढ़ना है, यहाँ पर लिखा है अप्लीकेंट रेसिडेंस एड्रेस के लिए, तो चलिए यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर रेसिडेंस एड्रेस के लिए यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, जो यहाँ पर आपका जिला प्रखंड होगा। इसके बाद एरिया क्षेत्र का नाम यहाँ से सेलेक्ट करें, जिस तरह से जैसे मान ली रूरल यानी कहने का मतलब, अगर गांव में अगर रहते होंगे तो रूरल सेलेक्ट करेंगे, अगर शहर में रहते होंगे तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पंचायत का नाम सेलेक्ट करें, जो भी आपका पंचायत होगा यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जो आपका पंचायत होगा आप अपना यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर विलेज का नाम आता है, जो गाँव का नाम आपका होगा आप अपना यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप अगर अर्बन क्षेत्र से होंगे या किसी भी क्षेत्र से, अगर विलेज का नाम यहाँ पर सिलेक्ट नहीं लेता है तो यहाँ पर अपना नगर पंचायत का सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर गांव मोहल्ला के वार्ड नंबर का यहाँ पर सिलेक्ट चुनाव कर सकते हैं, जो भी वार्ड होगा चुनाव कर लीजिएगा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहाँ पर एड्रेस टाइप कीजिएगा, जो भी आपका एड्रेस होगा आधार पर। इसके बाद यहाँ पर पिन कोड टाइप कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो आधार नंबर पहले से फिलअप, यहाँ पर सारा डिटेल पहले से फिलअप किया हुआ है, यहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट का बैंक यहाँ पर डिटेल सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पर जो भी बैंक होगा आपका यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जैसे मुझे मान लीजिए कैनरा बैंक होगा तो इस तरह से कैनरा बैंक सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक IFSC कोड आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर बैंक का नाम सेलेक्ट कर चुका हूँ। इसके बाद बैंक का ब्रांच का शाखा का नाम सेलेक्ट करना है, जो भी आपका शाखा होगा ऑटोमेटिक यहाँ पर शाखा सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक IFSC कोड यहाँ पर फिलअप हो जाएगा, आपको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका डिटेल सही नहीं है तो यहाँ पर आपको यहाँ से डिटेल दिया गया है, आप यहाँ से मिला लीजिएगा जो आपका यहाँ पर IFSC कोड होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको आता है बैंक का खाता नंबर डालने के लिए, यहाँ पर खाता संख्या जितने अंक का होगा यहाँ से अंक सेलेक्ट करें, जैसे मान लीजिए अगर आपका 9 अंक होगा तो 9 अंक इस तरह से यहाँ पर आ जाए, इस वाला बॉक्स में ओपन होगा, जो अकाउंट नंबर इसमें आपको डालना होगा, जितना अंक होगा आप अपने अनुसार यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर नेम एज पर अकाउंट यानी कि अकाउंट पर जो भी नाम होगा अकाउंट पासबुक पर, वहाँ पर इस पर आपको टाइप करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट आपको फिलअप करना होगा, जो मैं आपको डॉक्यूमेंट पहले ही बता दिया हूँ कि डॉक्यूमेंट क्या कहलाएगा, जैसे यहाँ पर आधार का यहाँ पर देना है, आधार का यहाँ पर दोनों तरफ होला लगाना है, जो 200 KB के अंदर होना चाहिए, जो आपको PDF साइज में होना चाहिए, PDF फाइल में। आधार कॉन्सेंट डॉक्यूमेंट, आधार सहमति पत्र आपको लगाना है इसमें, जो सहमति पत्र मैंने बताया था। इसके बाद बैंक पासबुक इसमें लगाना है, जो बैंक पासबुक होगा
उसी को सभी यहाँ पर, जो भी यहाँ पर फाइल लगाएंगे, इसमें जो पीडीएफ फाइल होगा सभी 200 KB के अंदर ही होना चाहिए। इसके बाद वोटर आईडी कार्ड का डॉक्यूमेंट इसमें लगाना है। इसके बाद यहाँ पर फोटो एक लगाना है जो 30 से 50 KB के अंदर होना चाहिए। इसमें जेपीजी लगेगा, इसमें जेपीजी फाइल, और बाकी सब जो पीडीएफ लगेगा उसमें सब पीडीएफ फाइल होगा इसमें, जो 200 KB के अंदर होना चाहिए। इसके बाद चेकबॉक्स पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सारा डिटेल फिलअप कर लिया है, शुरू से लेकर यहाँ पर लास्ट तक मैंने डिटेल जो भी मैंने बताया था, जैसे यहाँ पर नाम, और यहाँ पर मदर नेम, फादर नेम, और जो या हस्बैंड नेम, या मोबाइल नंबर, कैटेगरी, इसके बाद यहाँ पर एड्रेस, पूरा सारा डिटेल, इसके बाद बैंक कार्ड, सारा डिटेल यहाँ पर मैं फिलअप कर चुका हूँ। फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट मैं अपलोड कर चुका हूँ, जैसे यहाँ पर आधार कार्ड, यहाँ पर बैंक पासबुक, और यहाँ पर आधार कॉन्सेस्ट यानी सहमति पत्र, और यहाँ पर आपको फोटो, और यहाँ पर मैंने वोटर आई कार्ड लगा दिया है। इसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने से पहले यहाँ पर आपको अलाउ किया जाता है कि यहाँ पर आपका डिटेल सारा सही है, तो यहाँ पर ओके करेंगे। मेरा डिटेल सारा सही, ओके कर लेता हूँ। तो मेरे यहाँ पर सारा डिटेल सबमिट कर चुका हूँ। सबमिट करने के बाद यहाँ पर बेनिफिशियरी आईडी दे दिया है, और जी यहाँ पर सारा जो डिटेल दिया है, यहाँ पर आपको सबमिट अभी पूरी तरह से 100% नहीं हुआ है। यहाँ पर आपको डिटेल्स यहाँ पर सेव किया गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डाटा सेव सक्सेसफुल हो चुका है, यानी कि आपको यहाँ पर मिला लेना है कि जो भी डाटा अभी तक आपने फिलअप किया है वो डाटा सही है अथवा नहीं है। तो यहाँ से डाटा चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर रिव्यू पर क्लिक करके अपना सारा डॉक्यूमेंट देख सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट क्लियर क्लियर डाउनलोड यहाँ पर अपलोड हुआ है अथवा नहीं। तो मैंने यहाँ पर सारा डिटेल चेक कर लिया, मेरा सही है सारा डिटेल। और अभी भी आपका अगर कहीं गलत होगा तो यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन है, अभी यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर फाइनल सबमिट आपने कर दिया है और अगर आपका कहीं डाटा गलत हो चुका है, तो आप सुधार करने का कोई तरीका नहीं है। तो इसलिए आप बड़े ध्यान से यहाँ पर देखकर सारा डिटेल फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर सबमिट वाला सेक्शन पर क्लिक करें। चलिए मेरे यहाँ पर सारा डिटेल सही है, चलिए मैं यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। फाइनल सबमिट पर जैसे क्लिक करें, यहाँ पर ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपका सारा डिटेल कंप्लीट हो चुका है, आपका 100% यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। अप्लाई होने के बाद यहाँ पर रीडायरेक्ट, यहाँ पर जो डायरेक्ट प्रिंट दिया है इस पर क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, जो आपको यहाँ पर इस तरीका से आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर आपका ये आपको प्रिंट रिसिप्ट हो गया। आपको कहीं भी ये रिसिप्ट जरूरत नहीं है जमा करने के लिए, आप इसी से आप चेक करते रहिएगा, स्टेटस का चेक कर लीजिएगा कि आपका स्टेटस मतलब कहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ अथवा नहीं है। तो इस तरीके से आप अपना वृद्धा पेंशन के लिए ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पर आपका सारा डिटेल दिया गया है, बेनिफिशियरी आईडी यहाँ पर आपको देखने को मिल गया है। तो इसी बेनिफिशियरी आईडी के माध्यम से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पर सर्च एप्लीकेशन स्टेटस पर आना होगा, यहाँ से आप क्लिक करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर स्टेटस चेक करने के लिए इस पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करते ही आपको ऐसा पेज आएगा, यहाँ पर लाभार्थी का आईडी खोजा जाएगा, जो यहाँ पर स्वीकृत संख्या, जो आपको जो भी जिसके माध्यम से आप अपना चेक करना चाहते हैं, जैसे मेरे पास बेनिफिशियरी आईडी, इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर बेनिफिशियरी आईडी का जो मैंने अभी डिटेल मैंने सबमिट किया था वो यहाँ पर डिटेल डालूंगा, या तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है अकाउंट नंबर, आधार नंबर के माध्यम से चेक करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है कि ये वाला कैप्चा आपको जस्ट लाइक उसी तरह से फिलअप करना है जो आपको देखने को मिल रहा है। इस तरीके से फिलअप करेंगे, और फिलअप करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी आईडी, स्कीम नेम, यहाँ पर नेम ऑफ पेंशनर, यानी पेंशनधारी का नाम, पेंशनधारी का हस्बैंड या फादर नेम, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, यहाँ पर सेक्शन दिया गया है, और यहाँ पर आपका स्टेटस में अभी तक पेंडिंग है, क्योंकि अभी जस्ट मैं अप्लाई किया हूँ। आप अप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर 10 दिन 12 दिन के अंदर आपको यहाँ पर डाटा चेक करते हैं, यानी कि रोज दिन हमेशा 1 से 2 दिन के बाद चेक करते रहिए कि आपका यहाँ ये जो डाटा है कहाँ तक आपका पहुँचा है। तो इस तरीके से आप अपना चेक कर सकते हैं, स्टेटस को आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। मन में अगर कहीं भी डाउट होगा तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको सारा कमेंट जो भी डाउट होगा मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।